आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सैमसंग के फ़ोन में बैक बटन को चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में बैक बटन को चेंज करना चाहते हैं, अगर किसी भी कंपनी के फ़ोन चलाते होंगे, जैसे होगा सैमसंग, जैसे होगा रियलमी, मतलब किसी भी कंपनी के फ़ोन चलाते होंगे, उसमें अब वो बैक बटन चेंज करना चाहते हैं तो उस बैक बटन को कैसे चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत आसान वैसे बताएंगे, किसी भी फ़ोन में बैक बटन को चेंज करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस हमारे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपको बैक बटन चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए जस्ट आपको यहाँ सभी फ़ोन में आपको सेटिंग देखने को मिल जाता होगा। जस्ट आपको यहाँ सेटिंग यहाँ ओपन करना है, देख सकते हैं आपको सेटिंग देखने को मिल जाता होगा। जस्ट अपना यहाँ सेटिंग ओपन कर लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ सेटिंग ओपन हो चुका है। सेटिंग होने के बाद देख सकते हैं काफ़ी सारा सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता होगा। एक आपको सेटिंग देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग के नाम से, यहाँ पे आपको सर्च भी कर सकते हैं एडिशनल AD। यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल AD, हम जैसे ही लिखे तो देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग आ चुका है। एडिशनल सेटिंग के अंदर ही होता है बैक बटन चेंज करने वाला। जस्ट हम आपको यहाँ एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करके दिखाए थे, जस्ट हम एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद आपको एक निगेटिव सिस्टम नेग्रेशन का एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा। सिस्टम नेग्रेशन में हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ बटन का भी सेटिंग आ जाएगा, यहाँ जीनियस का भी सेटिंग आ जाएगा। जस्ट यहाँ आपको नहीं मिलता है तो जस्ट आपको यहाँ से बैक कर लेना है थोड़ा सा, फिर से हम लोग बैक कर लेंगे। यहाँ पे आपको बटन देखने को मिल जाता था, जस्ट यहाँ पे देख सकते एक बटन आपको देखने को मिलता था, यहाँ पे तीन बटन, ये बटन गायब हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ से इधर से बगल साइड होगा, ऐसे ही अपने सिस्टम में बटन को दीजिएगा। हमारे चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।